हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको दिखा रही हूँ हम लोग के गांव में घर में बड़ी तैयार होती है। वो बड़ी बनाने के लिए इस सीजन में हर लेडीज बन तैयार रहती है, डेली कुछ ना कुछ बड़ी बनाते रहती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ चना दाल की बड़ी और उसके बाद मसूर दाल की बड़ी दोनों बनाऊंगी। इसमें मैं 1 किलो चना लेके रखी हूँ, उसको रात में फूलने दे दी, सुबह मिक्सी में पीस के तैयार की हूँ। इसमें 2 किलो मसूर दाल है, इसको रात में फूलने दे दी हूँ, सुबह पीस के तैयार की हूँ। फिर इसकी मसाला तैयार की हूँ, इसमें मेथी, हींग और आदि पीस के दी हूँ, उसका धनिया पाउडर, गरम मसाला सब डाल दी हूँ अंदाज के अनुसार से कितना लगेगा, और नमक नहीं डालती हूँ। मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग आदि। चना का दाल पिसा हुआ है, मसूर दाल पिसा हुआ है, उसके बाद फ्रेंड इसमें हम धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, मेथी साबुत मेथी को पाउडर बनाई हूँ, अदरक दी हूँ, इसमें हल्दी और नमक नहीं डालती हूँ। तो आवश्यकता अनुसार इसमें मैं सारा मसाला डाल रही हूँ। ये कम है तो इसमें कम मसाला दे रही हूँ, लेकिन वो ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा मसाला डालूँगी। ये मैं इसके लिए रखी, इसको मैं मिला ली और मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। 4-5 घंटा इसको सूखने में लगेगा, सूख के ये तैयार हो जाएगा, तब मैं आपको पूरा तैयारी के साथ दिखा देती हूँ कि बड़ी मेरा तैयार हो गया। इसमें सब रंग का दाल भी मिक्स करके बना सकते हैं। इसमें उड़द दाल से का भी बनता है, उड़द दाल में भुआ दिया जाता है, जिसको क्या जिसका मुरब्बा बनता है वो दे के भी बनाया जाता है, प्याज दे के भी बनाया जाता है, बहुत तरह का बड़ी बनता है जो खाने में स्वादिष्ट है। जब कभी कभी ऐसा होता है सब्जियां नहीं मिल रही है या बहुत सब्जियां ऐसी होती है खाते खाते जी उब जाता है, तब हम लोग ये सब इस्तेमाल करते हैं, ये सब निकालते हैं। कभी सोयाबीन की बड़ी, कभी चना दाल की बड़ी, कभी मसूर दाल की बड़ी, ये सब हम लोग यूज करते हैं तो खाना का स्वाद थोड़ा बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, खाने में भी मज़ा आ जाता है हम लोग को। ये हम लोग के किसान के घर का बहुत प्रधान चीज़ है, ये ज़रूर हम लोग करते हैं।